एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसके अंदर जो एक्सरसाइज अभी आपके सिलेबस में है वो हो चुकी है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। कुछ क्वेश्चन और इसके हम करते हैं, ठीक है, एरिया से रिलेटेड, एरिया और सर्कमफेरेंस से रिलेटेड। आपकी क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है सेक्टर और सेगमेंट वो एक्चुअली डिलीट हो चुका है, अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो एरिया से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम जो है वो अभी और सॉल्व करते हैं। जैसे ये कह रहा है कि रेडियस ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल है, ठीक है, इन दोनों की रेडियस अलग अलग है, एक की रेडियस है 19 सेंटीमीटर और एक की रेडियस है 9 सेंटीमीटर, तो इसको थोड़ा छोटा बना दो, इसकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल। मतलब ये कह रहा है कि आपको उस सर्कल की रेडियस पता करनी है, मैंने मान लिया सर्कल की रेडियस है आर, जिसका सर्कमफेरेंस इन दोनों के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर है, बात समझ में आ रही है। मतलब इसका सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ए मान लो जो है वो किसके बराबर है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बी प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल सी। बी सर्कल सी। अब अगर इसकी रेडियस 19 सेंटीमीटर है तो इसका सर्कमफेरेंस कितना हुआ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, दो सर्कल है, एक की रेडियस 8 सेंटीमीटर है, एक की रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो एक की रेडियस आपको फाइंड करनी है, लेकिन अब सर्कमफेरेंस का क्वेश्चन नहीं है, अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के एरिया का सम, एरिया ऑफ बी प्लस एरिया ऑफ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सर्कल, उसमें तो सिंपल है, तो बताओ रेडियस क्या है, जैसा सिंपल है, ठीक है। अब एरिया, दोनों के एरिया का सम तीसरे के एरिया के बराबर है, तो इसका मतलब अगर इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया कितना हुआ, पाई स्क्वायर, 8 स्क्वायर, इसका एरिया पाई 6 स्क्वायर और इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 64 पाई, 64 बाई 36 पाई, हां 36 पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे तो 100 पाई, 100 पाई लेकिन रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम लेंगे आर बराबर 10। रिजेक्टेड, रीजन ये है कि रेडियस इज द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्वेश्चन इतने ही थे, बाकी एक वो एरिया बिटवीन टू सर्कल वो कल हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्टर और सेगमेंट के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उसको समझो सेक्टर क्या है। यस सर। तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक बताया था सेक्टर और एक बताया था सेगमेंट, इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो सेक्टर क्या होता है कि अगर मैं किसी सर्कल को इस तरह से कट करूं, पिज्जा की स्लाइस, ठीक है, पिज्जा स्लाइस, तो यहाँ पे ये माइनर सेक्टर हो गया, ये माइनर सेक्टर, और ऊपर वाला मेजर सेक्टर, और ऊपर वाला हो गया मेजर सेक्टर। और अगर मैं किसी सर्कल को कोड से कट करूं, कोड से, तो ये सेगमेंट हो गया माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट,
रोटी स्लाइस, रोटी को जैसे काटते हो रोटी को बड़े मुरिया नहीं लेते अंडे की बात है सर, अंडे की बात समझ में? यस सर। ये सेगमेंट है जब आप किसी सर्कल को कोण से कट करो, और अगर किसी सर्कल को रेडियस से कट करोगे तो वो सेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत याद रहेगा? नो दिक्कत, अंडे की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर मुझे जैसे ये सेक्टर है माइनर सेक्टर और उसका एरिया निकालना है, तो मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो ये सेक्टर कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे, थीटा, ये थीटा पता होना चाहिए। प्लस में इसकी रेडियस कितनी है ये पता होनी चाहिए। अगर थीटा और रेडियस पता है तो आप ये एरिया निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे ये एरिया? तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सर माइनर सेगमेंट का या फिर दोनों सेक्टर का? ये इस सेक्टर का, माइनर सेक्टर का, माइनर सेक्टर का, ये है माइनर सेक्टर का, ठीक है। अगर मेजर सेक्टर का निकालना है तो उसके दो तरीके बता रहा हूं। मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो उसका एक तो तरीका है कि पूरे सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से माइनर वाला माइनस कर दो, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल, पूरा एरिया निकालो और उसमें से माइनस कर दो क्या, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर चाहिए तो आप ये जो थीटा है ये ऊपर वाला ले लो। अगर थीटा ये वाला लेते हो तो आपको ये वाला एरिया मिलेगा, थीटा अगर ये वाला लेते हो तो आपको ये वाला एरिया मिलेगा। फॉर्मूला वही है, बात समझ में आ रही है? जैसे ये मान लो 30 डिग्री था, तो अगर मैंने 30 डिग्री लिया है तो मुझे एरिया मिलेगा ये। तो अब अगर ये पूरा 360 होता, ये 30 है तो ये कितना हुआ 330। तो अगर मैं थीटा की जगह 330 लिखता हूँ तो एरिया कौन सा जाएगा, सीधा ऊपर वाला, ऊपर वाला, बात समझ में आ रही है? तो अगर अंदर वाला थीटा लोगे तो ये वाला एरिया आएगा, बाहर वाला थीटा लोगे तो ऊपर वाला एरिया जाएगा। तो थीटा बदल दो तो फिर आपको पूरे सर्कल का एरिया निकाल के माइनर का निकाल के माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो ये तरीका थोड़ा बेस्ट है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैं ऐसे लिख रहा हूं, अल्फा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। दिया हुआ तो हमें थीटा होगा, हमें ऊपर वाला थीटा निकालने के लिए 360 में से इस थीटा को माइनस करना पड़ेगा, माइनस करेंगे तभी तो ऊपर वाला थीटा मिलेगा। यस सर, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के दो फॉर्मूले सर, वो अच्छा जो हम पढ़ रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, वो आते कहां से? वो इसी फॉर्मूले से आते हैं। देखो कैसे, जैसे सेमी सर्कल की मैं बात करता हूं तो थीटा कितना होता है, 180। आप यहां 180 रखो तो 180 से 360 कटा 180। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो इस फॉर्मूले से आ रहा है नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि उस समय थीटा होता है 180। अच्छा क्वाड्रेंट का एरिया मैंने कितना बताया था, पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो वो कैसे आएगा, क्वाड्रेंट में थीटा कितना है देखो, 90 या 90 रखो, 90 से 360 कटेगा कितने टाइम, 4। कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो मतलब ये एक जनरल फॉर्मूला है, किसी भी चीज का एरिया निकालना है, किसी भी चीज, ठीक है। अब पूरे सर्कल के लिए थीटा कितना होता है, 360। यहाँ 360 रखोगे तो 360 कट गया, कट गया तो बचेगा क्या, पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रही बात, ये एक जनरल फॉर्मूला है किसी भी सेक्टर का एरिया निकालना। तो सर्कल भी एक सेक्टर ही है, बस उस समय थीटा कितना होता है 360 डिग्री का। सेमी सर्कल भी सेक्टर है, उस समय थीटा कितना होता है 180 डिग्री का। क्वाड्रेंट भी सेक्टर है लेकिन उस समय थीटा कितना होता है 90 डिग्री का। सर वो 6 टेढ़ा लिखा है, उसको सीधा लिखो, सीधा लिखो सर, 6 आधा कार्ड की तरह आधे का काम होता है, ठीक है। तो ये सेक्टर का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूले लिख दो, पहले नोट करो। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे मुझे ये एरिया निकालना है ये वाला, तो सेगमेंट हमेशा किसके अंदर बनता है, सेक्टर के अंदर बनता है। देखो ये सेक्टर है, ये सेक्टर है कि नहीं है, उसके अंदर तो बन रहा है ये सेगमेंट। तो अगर मुझे सेक्टर का एरिया पहले निकालना पड़ेगा, अगर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो देखो जैसे ये वाला, ये मान लो मुझे इतना एरिया चाहिए, ये तो मैं क्या करूंगा, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो पहले मैं पूरे सेक्टर का एरिया निकालूंगा और उसमें से ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया माइनस कर दूंगा। देखो ना पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल हटा दोगे तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बचेगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा,
एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर, वो भी कौन सा माइनर, माइनस एरिया ऑफ एसी ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल बन रहा है। अच्छा अच्छा, अगर मान लो यहाँ 60 डिग्री का एंगल है तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल। अगर यहाँ 90 डिग्री का एंगल है तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल। बात समझ में आ रही है? तो जो भी ट्राइंगल अंदर बन रहा है उसका एरिया, अच्छा अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, रूट 3/4 इनटू साइड स्क्वायर, ठीक है, पता है ना एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। यस सर। और अगर ये 90 डिग्री का एंगल है राइट एंगल, तो ये एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अगर आपको मान लो कि ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू मतलब 90 नहीं है, 60 नहीं है, कुछ और है, तो फिर उस केस में आपको एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला तो हाफ बेस इनटू हाइट निकालना लगाना पड़ेगा, लेकिन बेस और हाइट निकालने की जो टेक्निक है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? नो नो नो। तो ये थोड़ा याद रखना। अब अगर मुझे पूछा कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, तो ऑटोमेटिक क्या बचेगा, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट बचेगा, ठीक है। इसके लिए कोई और दूसरा टेक्निक नहीं है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का मैं फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं, हालांकि ये फॉर्मूला है लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है सर, ये भी नहीं था सर। एरिया ऑफ सर्कल सिलेबस माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस करोगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया बच जाएगा, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ये बातें और लिख दो, फिर एक टॉपिक और पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, चालू है। लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है बस इस चैप्टर में, फिर चैप्टर पे था। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब देखो, जब हम एरिया भी अभी इससे पहले सेक्टर सेगमेंट पढ़ा तो उसका एरिया निकाला है ना, क्या हुआ, तो एरिया वाले फॉर्मूले से हमने उसको सॉल्व किया, थीटा अपॉन 360 अपॉन पाई आर स्क्वायर, एक जनरल फॉर्मूला एरिया निकालने का। अब लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, मतलब अब हम डील किससे कर रहे हैं, सर्कमफेरेंस, ये लेंथ निकालनी है। तो ये चीज, ये पूरी लेंथ क्या है, सर्कमफेरेंस तो है, तो पूरी लेंथ नहीं निकालनी, पूरी लेंथ तो 2πr होती है, तो हमें सिर्फ इतनी लेंथ या जितनी पूछे उतनी लेंथ निकालनी है, ठीक है, किसी सर्कल के ऊपर। तो वो कैसे निकालेंगे, तो मान लो कि ये सेंटर है अगेन, तो इसमें भी हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है और एक उसकी रेडियस कितनी है, ठीक है। तो ये जो आर्क है यहां से लेके यहां तक, इस आर्क को हम बोलेंगे माइनर आर्क। तो ये जो बची हुई आर्क है ये क्या हो जाएगी, मेजर आर्क। अब देखो आर्क निकालने के लिए आप किससे डील कर रहे हो, सर्कमफेरेंस से डील कर रहे हो, ठीक है। तो माइनर आर्क की लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर आर्क माइनर आर्क फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन 360। देखो पहले सेक्टर का एरिया निकालना था तब हमने पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, अब आर्क की लेंथ निकालनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2πr, क्योंकि अब लेंथ ऑफ आर्क है जो क्या है, बाउंड्री, सर्कमफेरेंस है, बाउंड्री है, समझ में आ रही है। तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2πr, तो ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर मैं थीटा की जगह 360 रखता हूँ तो 360 से 360 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2πr, 2πr पूरे सर्कल की लेंथ आ जाएगी, क्योंकि पूरे सर्कल के लिए थीटा कितना होता है, 360 आधे सर्कल के लिए 180, तो यहाँ हो जाएगा 2πr/2, 2 से 2 कट गया पाई आर, तो हमने ये पहले पढ़ा है आधे सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है पाई आर। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है लेंथ निकालने का, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर मुझे लेंथ ऑफ मेजर आर्क चाहिए तो इधर भी दो तरीके हैं, एक तो पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस निकाल के उसमें से माइनर वाला माइनस कर दो, माइनस कर दो, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका थीटा आप कौन सा ले लो, ऊपर वाला ले लो, ऊपर वाला, तो सीधी ऊपर वाली लेंथ आ जाएगी ऊपर, ठीक है, यस। सो लेंथ ऑफ मेजर आर्क का दूसरा फॉर्मूला है 360 माइनस थीटा, हाँ 360 माइनस थीटा अपॉन 360, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर, ठीक है, कोई दिक्कत?
अगर थीटा ये दिया हुआ है, अगर थीटा ऑलरेडी ऊपर वाला ही दिया हुआ है तो 360 में से माइनस नहीं करेंगे। कॉमन सेंस लगाना, कॉमन सेंस। ठीक है ठीक है ठीक है लालू, कोई दिक्कत? चलो बात समझ में आई, ये नोट करो फिर क्वेश्चन करते हैं।